स्टूडेंट्स नमस्ते वेलकम बैक टू साइंस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस माय नेम इज निसी एंड आई एम योर ईवीएस टीचर एंड टुडे इज 15th जनवरी 2021 न्यू ईयर है तो हमने कल क्या था इट वाज 14 जनवरी राइट मकर संक्रांति उस दिन तो आप सबने बहुत अच्छे अच्छे पतंग उड़ाए होंगे यू मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट सो बैक टू अवर स्टडीज डे बिफोर यस्टरडे हमने चैप्टर नंबर 15 सन मून एंड स्टार्स के बारे में सन वेड सन राइजेज वेड सन सेट मून के बारे में फेजेस ऑफ मून न्यू मून नो मून हमने सबके बारे में कल हमने सीखा था चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है वी हैव रिवाइज्ड इट थरली वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड अवर एक्सरसाइजेस दो पेजेस के The first page is of 141, the second page was of 142. और last में आपको 143 पे I had given you one exercise to do, which was to color. हमें color करने के लिए दिया था ऐसी things जिससे हमें रोशनी मिलती है तो application based question और project ideas हमारे textbook में रह गए थे तो first we will complete that. After that we will do one more IBL question. इन अवर नोटबुक हम उसमें लिखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर वर्कशीट चलो तो एवरी वन प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेंसिल एंड इरेजर विथ यू एंड टेक आउट पेज नंबर 143 प्लीज टेक आउट वन पेज नंबर 143 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेट अस रीड इट वन नाइट ओ एनी वन एनर्जीज नाइट वन नाइट एक रात को सोहेब एस ओ सो एच ए आई है बी का सोने बस सोहेब देयर वाज अ मैन कॉल्ड सोहेब उसका नाम था वन नाइट सोहेब वाज गोइंग टू एल ए वी ई लीव फॉर होम फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर्स हाउस एक रात को सोहेब नाम का लड़का क्या कर रहा था अपनी दादी मामी ग्रैंड मदर के घर के लिए वो अपने घर से निकला His grandmother gave him two notebooks, a new watch, a torchlight, a candle, a matchbox, and a box of pencils to take home. Sohib ne kya kiya? Wo apne dadi ke ghar gaya. To dadi ne kya diya usko? Two notebooks. N-O-T-E, note, B-O-O ke books. Matlab notebooks matlab jisme aap likhte ho. Short notebooks. A new watch. W-A-T-H वॉच मतलब घड़ी नोटबुक्स दिया घड़ी दिए अ टॉर्च लाइट T-O-R-C-H टॉर्च एलेजिस्ट टॉर्च लाइट मतलब यहाँ पे दिया सी दिस इज अवर टॉर्च लाइट देन व्हाट डिड शी गिव अ कैंडल C-A-N-D-L-E कैंडल सी दिस इज अ कैंडल एंड व्हाट एल्स अ मैच बॉक्स M-A-T-C-H मैच बॉक्स मतलब बाकस एंड अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स टू टेक होम ये सारी चीजें उसने उसको सोहेब को दिया सोहेब वॉज वॉकिंग होम ऑन द फुटपाथ वो फुटपाथ पे सोहेब चल के जा रहा था इट वॉज वेरी डार्क बहुत ही अंधेरा था एंड ही कुड नॉट सी द फुटपाथ क्लियरली अंधेरा था उसकी वजह से वो अपने फुटपाथ में कहाँ चल रहा था उसे दिख नहीं रहा था ही Noticed that he could not see the moon in the sky. उसने notice किया notice करना मतलब देखा क्या देखा उसने कि sky में तो moon ही नहीं था Now when does it happen? अगर sky में अगर आसमान में moon नहीं होता तो वो कौन सा दिन होता है It is called a new moon. New moon means जब moon होता ही नहीं है He needed to use a source of light. उसे क्या चाहिए था अंधेरे में चलने के लिए एक सोर्स चाहिए था कि वो देख सके तो नंबर वन विच ऑफ द थिंग्स दैट सोहेब्स ग्रैंड मदर गेव हिम वेर सोर्सेस ऑफ लाइट जो सोहेल की ग्रैंड मदर ने इतनी चीजें दी थी राइट नोटबुक्स वॉच टॉर्च लाइट कैंडल मैच बॉक्स एंड पेंसिल्स तो इसमें से कौन सी चीजें थी कि वो सोहेब इनमें से लाइट यूज कर सकता था कैंडल एंड टॉर्च लाइट
मोमबत्ती, कैंडल या टॉर्च लाइट में से लाइट यूज कर सकता था। वॉच मीन्स घड़ी में से। बॉक्स ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स की बॉक्स में से या नोटबुक में से। करेक्ट आंसर इज ए, कैंडल एंड टॉर्च लाइट में से उसको लाइट मिल सकती थी। नंबर टू, व्हाई वॉज देयर नो मून इन द स्काई। स्काई में मून क्यों नहीं था उस दिन? क्यों? क्योंकि उस दिन इट वॉज अ फुल मून नाइट। मीन्स क्या, उस दिन फुल मून के दिन तो क्या होता है, पूरा मून होता है। तो फिया द सन वॉज इन द स्काई, क्या था, ऐसे सन था आसमान में इसीलिए उसको दिख नहीं रहा था। द मून हैड सेट, मून क्या सेट कभी होता है? नो, सिर्फ सन ही सेट होता है। एंड इट वॉज अ न्यू मून नाइट, मीन्स इस दिन न्यू मून की वजह से अंधेरा था। तो विच इज अ करेक्ट आंसर, डी, न्यू मून के दिन इज स्काई में मून नहीं होता। नंबर थ्री, व्हाई डू यू थिंक सोहेब वुड नीड द मैच बॉक्स। अब सोहेब को वो मैच बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? टू राइट इन हिज नोटबुक, क्या मैच बॉक्स से वो नोटबुक में लिखना चाहता था? नो। टू शार्पन द पेंसिल्स, उसको मैच बॉक्स को वो पेंसिल के लिए शार्पनर के जैसे यूज कर सकता था? नो। लेट सी, टू लाइट द टॉर्च लाइट, क्या उसको टॉर्च लाइट चालू करने के लिए मैच बॉक्स की जरूरत थी? नो। और द लास्ट वन, टू लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाने के लिए उसको मैच बॉक्स की जरूरत थी। तो द करेक्ट आंसर इज डी, कैंडल को, राइट। नोटबुक्स में तो लिखने के लिए वी यूज पेंसिल, टू शार्पन द पेंसिल्स वी यूज अ शार्पनर, एंड टू लाइट द टॉर्च लाइट के लिए वी नीड अ बैटरी। सो दिस वॉज अवर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ प्लीज टर्न द पेज, प्रोजेक्ट आइडियाज में दिस इज गोइंग टू बी योर प्रोजेक्ट फॉर दिस चैप्टर। इसमें क्या है, मेक अ चार्ट शोइंग अ डे एंड नाइट सीन। यू कैन यूज द आइडिया शोन अलोंग और यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट सीन। मीन्स आपको ये स्क्रैप बुक में ही करना है। व्हाट डू यू टू डू, आप कोई भी शेप ले सकते, इधर राउंड दिया, यू कैन टेक अ स्क्वायर और रेक्टेंगल कोई भी, और आपको यू हैव टू डिवाइड देम इंटू टू पार्ट्स। एक पार्ट में आपको डे ड्रॉ करना है, एक पार्ट में नाइट। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग इन द डे, लाइक मून और सन तो चाहिए, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग हियर। और आप अगर पूरा पेज यूज कर सकते हो उसके लिए, हेडिंग देना है डे एंड नाइट, उसमें आपको जो भी रेलेवेंट लगे ड्रॉ कर सकते हो। दिस शुड बी डन। यू कैन ऑल्सो स्टिक पिक्चर्स और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एंड कलर देम, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोजेक्ट फॉर दिस चैप्टर। नाउ रीड द राइम बिलो एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड दैट फॉलोज। ये द राइम है, एक पोयम है, और उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम? सन मून एंड स्टार्स, जस्ट लाइक अवर चैप्टर इधर पोयम है। अप इन द स्काई शाइन्स द सन, आसमान में बहुत ऊपर सन शाइन करता है। मेकिंग द डे रेडी फॉर फन, सन आता है तो वो दिन में हम मस्ती करने के लिए तैयार कर देता है। ही टायर्स नॉट फॉर अ सिंगल डे, सन कभी भी नहीं थकता। अनफेलिंगली ही सेंड्स हिज रे, बिना भूले बिना कुछ गलती किए वो रोज अपनी सूरज की किरणें भेजता है। अप इन द स्काई शाइन्स द मून, आसमान में बहुत ऊपर मून भी शाइन करता है। टेलिंग अस ऑल इट विल बी बेड टाइम सून, और वो हमें क्या बताता है मून आता है तब, कि अब तो सोने का टाइम हो गया। हर सिल्वरी बीम्स शाइनिंग डाउन, उसकी जब मून की लाइट आती तो कैसे एकदम सिल्वर कलर की होती है, राइट। इट्स टाइम फॉर फेरीज टू विजिट द टाउन, रात होते ही फेरीज आती है, परियां। अप इन द स्काई ट्विंकल द स्टार्स, आसमान में और क्या होता है सन और मून के साथ, स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं। डेकोरेटिंग द नाइट स्काई फ्रॉम अफार, डेकोरेटिंग मतलब सजाना, और नाइट को वो टिम टिम तारे सजा देते एकदम दूर से। ट्विंकल ट्विंकल दे ऑल से, और क्या बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल आफ्टर नाइट वी विल अगेन हैव डे, और रात के बाद वापस क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। सो डिड यू लाइक दी राइम ओवर हियर? नाउ वी हैव टू सॉल्व दी क्रॉस वर्ड। अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस मतलब ऐसे, जो ऐसी लाइन होती है ना, दिस इज कॉल्ड अक्रॉस।
और डाउन मतलब ऐसे नीचे. तो देर आर टू टू फॉर ईच. वी आर गोइंग टू डू नंबर वन एंड टू फर्स्ट. द मून टेल्स अस दैट इट विल बी डैश सून. नंबर वन का आप ऐसे ही है, मून होता है तो हमें क्या बताता है, टेलिंग अस ऑल इट विल बी बेड टाइम सून. बी ई डी बेड, टी आई एम ई टाइम. सो वी हैव टू राइट बी ई डी बेड, टी आई एम ई बेड टाइम सून. दिस शाइन्स एंड मेक्स द डे रेडी फॉर फन. क्या बनाते हैं, अप इन द स्काई शाइन्स द सन मेकिंग द डे रेडी फॉर फन. तो सन होता है जो करता है ऐसे. हियर इट इज एस यू एन सन. नंबर थ्री, दिस टेल्स अस दैट इट विल बी बेड टाइम सून. क्या होता है, मून होता है जो हमें बताता है कि अब तो रात होने वाली है. सो राइट एम ओ ओ एन मून. एंड द लास्ट वन, द स्टार्स डेकोरेट द डैश स्काई. कौन से स्काई को, डेकोरेटिंग द नाइट स्काई. तो इधर फोर्थ में लिखना है एन आई जी एच टी, तो ऑलरेडी लिखा है. तो बी डी बेड, टी आई एम ई टाइम, एस यू एन सन, एम ओ ओ एन मून और एन ए जी एच डी नाइट. ठीक है. सो दिस वॉज अवर टेक्स्ट बुक का. टेक्स्ट बुक इज ओवर. नाउ एवरी वन प्लीज चेक आउट योर वर्कशीट. वर्कशीट में सन मून एंड स्टार्स के बारे में वी आर गोइंग टू डू टू पेजेस ओनली, ये वन और टू. और लास्ट में हम लोग एक आईबीएल क्वेश्चन करेंगे. एंड द नेक्स्ट वीक वी विल डू अनदर फ्यू पेजेस ऑफ वर्कशीट एंड ऑल्सो टू टू या थ्री थ्री हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. सर्कल द करेक्ट आंसर. हमें करेक्ट आंसर को सर्कल करने का है. देर आर फाइव. नंबर वन इज वी लिव ऑन अर्थ और सन. हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं या सन पे. करेक्ट आंसर इज अर्थ. नंबर टू, द ग्लोब लुक्स लाइक मून और अर्थ. जो ग्लोब होता है पूरे में हमें हमारे वर्ल्ड के बारे में बताता है मैप. तो कहाँ किसके जैसा लगता है, लुक्स लाइक मून और अर्थ हमारे अर्थ के जैसा दिखता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट और वेस्ट. सन कहाँ से उगता है, राइट हैंड. और राइट हैंड पे क्या होता है, ईस्ट. द मून इज ट्राइंगुलर और सर्क्यूलर इन शेप. मून का शेप कैसा होता है, ट्राइंगल या सर्कल, तो सर्क्यूलर. एंड द फिफ्थ वन, द स्टार्स आर वेरी वेरी स्मॉल और बिग. स्टार्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. क्यों, क्योंकि बहुत दूर होते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लू बॉक्स. फिल इन द ब्लैंक्स से क्लूज दिए है. एच यू जी ई ह्यूज मतलब बहुत बड़ा. एल आई जी एच टी लाइट मतलब रोशनी. डी ए आर के डार्क मतलब अंधेरा. एल ए एन डी लैंड मतलब जमीन. एन एच जी एच टी नाइट मतलब रात. तो ये कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, वी हैव टू सॉल्व दैट. नंबर वन, द अर्थ इज अ डैश ब्लू बॉल. अर्थ कैसा है, ह्यूज बड़ा सा ब्लू कलर का बॉल है. ब्लू कलर का क्यों है, क्योंकि अर्थ मोस्टली पूरे पानी से भरा है. नंबर टू, वी ग्रो फूड ऑन दी. देखो ये ह्यूज तो हो गया. हम कहाँ पे फूड ग्रो करते हैं, रोशनी में, अंधेरे में, जमीन में या रात में. तो आंसर इज जमीन. एल ए एन डी लैंड. एल ए एन डी लैंड. नंबर थ्री, द सन गिव्स अस. सन हमें क्या देता है, लाइट देता है. राइट, एल आई जी एच टी लाइट. नंबर फोर, द स्टार्स अपियर इन द. स्टार्स कहाँ पे आते हैं, नाइट में. एन आई जी एच टी. एंड द फिफ्थ वन, द डैश क्लाउड्स ब्रिंग रेन. कौन से क्लाउड्स होते हैं, जो बादल, कौन से कलर के बादल होते हैं, जो लेने के. लास्ट वन, डार्क, एकदम डार्क कलर के. डी ए आर के. ह्यूज, लैंड, लाइट, नाइट, डार्क. ठीक है. नाउ दिस, मैच द गिवन पिक्चर्स विद द क्लूज दैट डिस्क्राइब देम. ठीक है. ये फर्स्ट वन क्या है, दिस इज अ ग्लोब. ये ग्लोब है. दिस इज अ मून, या तो
कौन से कलर के? एकदम व्हाइट कलर का है मून, राइट? दिस इज अ स्काई, और स्काई में आपको क्या दिख रहा है? मून दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, एकदम नाइट, डार्कनेस. दिस इज ऑल्सो स्काई विच हैज रेनबो, कलरफुल रेनबो है. तो देखो ग्लोब को दे हैव ऑलरेडी एक तो करके दिया है. द मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसा है? ऐसा दिखता है. वॉट इज दिस? अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स, मीन सेवन कलर्स का बैंड है. द शाइनी ऑब्जेक्ट्स है जो चमकते वो है, या द व्हाइट बॉल है. क्या है ये? मून कौन से कलर का? व्हाइट बॉल. सो प्लीज मैच करना है. ये क्या है? इसमें स्टार्स दिख रहे, तो वो क्या करते हैं? शाइनी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं. एंड द लास्ट वन रेनबो. रेनबो क्या है? अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स, मीन्स एक बैंड है जो सेवन कलर्स के होते हैं. तो यू हैव टू मैच दिस. ठीक है, इट्स लाइक दिस. नाउ प्लीज टर्न पेज. इसमें क्या है? लेट्स ड्रॉ. द मून हैज वेरियस फेजेस, सम ऑफ द फेजेस आर मिसिंग, ड्रॉ देम नीटली. इसमें क्या है? सी देयर आर थ्री फेजेस. एक तो फुल मून दिया है, हाफ मून है जो इधर से हो रहा है, जो थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, हम लोग इसको और कर सकते हो. तो इधर आपको क्या करना है? और इसको हाफ मून, यू कैन ड्रॉ दिस साइड, उसको शेड कर देना पेंसिल से. कलर तो नहीं कर सकते, यू कैन ड्रॉ दिस शेड. और नो न्यू मून. न्यू मून में क्या था? मून नहीं होता, तो इसको पूरा डार्क कलर से कर लो, क्योंकि उस दिन तो मून होता ही नहीं है. ठीक है, आपको इसको और हाफ पार्ट में करके हाफ मून ड्रॉ करना है, बिकॉज दिस इज अ फुल मून. ये थोड़ा थोड़ा सा कर रहे गैप में है. दिस इज अ हाफ मून, जिसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे. एंड द लास्ट न्यू मून में तो मून होता ही नहीं है, सो वी आर गोइंग टू कलर इट इन ब्लैक, एकदम ब्लैक, ताकि मून दिखे ही नहीं. ठीक है, ये आपका स्क्रैप बुक में करने की एक्टिविटी है. ये हम लास्ट में करेंगे, बिकॉज ये इसके बारे में आपको टेक्स्ट बुक में था नहीं, ये एक्स्ट्रा है. सो लीव इट फॉर हियर. ये हम लोग नेक्स्ट लाइव में बात करेंगे. इफ एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस, तो हम लोग तब ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, अबाउट दिस लीव इट फॉर हियर राइट नाउ. प्लीज कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर वर्कशीट आज के लिए. लेट्स फाइंड आउट में क्या है? फाइंड नेम्स ऑफ वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू अर्थ एंड स्काई. इसमें कुछ नेम्स है जो हमें अर्थ और स्काई के ऊपर से हमें जानने के लिए मिलेंगे. तो फर्स्ट वन आपको क्या दिख रहा है? कैन यू सी? S U N, sun. And what else can you see? P L A I N, plain. Plain मतलब जमीन होती है जिसमें हम generally उगाते, land होता है. Then A I R, air. See, air. H I L L, hill. Means छोटा सा पर्वत, not mountain, उससे भी छोटा होता है, उसे हम hill. Then moon, M O O N, मून. देन वैली, वी ए एल एल ई वाई, वैली. वैली मतलब जब भी कुछ माउंटेन्स के बीच में से जब रिवर्स ओशियंस निकलते, तो आजू बाजू ग्रासेस होते, बहुत ही अच्छा छोटा सा माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं वैली. देन वन मोर थिंग, स्टार, एस टी ए आर. इफ यू फाइंड आउट एनी मोर, तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ देम. ठीक है, यू कैन सर्कल देम आउट. नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर लास्ट थिंग. हमारा लास्ट जो IBL क्वेश्चन है फॉर टूडे, वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट. ठीक है, एवरी वन प्लीज टेक आउट योर नोटबुक. वी आर गोइंग टू राइट द लास्ट IBL क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. टेक आउट द नोटबुक, राइट टूडेज डेट. एक तो हमने ऊपर किया था IBL questions on 13th. What is the great bear? It is a shape or a pattern of stars in the sky. So write down today's date, 15th January 2021. Again, IBL question. Please heading डालना, भले ऊपर दिया भी हो, but still कुछ बच्चे मिक्स कर देते शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स को, इसलिए राइट द टॉपिक. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर टू ऑफ IBL क्वेश्चन. वन तो हमने एक लिखा था, दिस इज अवर सेकेंड वन. डिस्क्राइब द फुल मून एंड द न्यू मून. हमें फुल मून और न्यू मून में क्या डिफरेंस है उसको हमें डिस्क्राइब करना है. सो राइट DESCRIBE
बीई डीई एस सी आर आई बीई डिस्क्राइब दी टी एच ई द फुल एफ यू एल एल फुल एम ओ ओ एन मून डिस्क्राइब द फुल मून ए एन डी एंड दी न्यू मून एन ई डब्ल्यू न्यू एम ओ ओ एन डिस्क्राइब द फुल मून एंड द न्यू मून आंसर फुल मून के बारे में हम लिखेंगे एफ यू एल एल फुल एम ओ ओ एन फुल मून में क्या होता है व्हेन द इसमें क्या होता है द मून लुक्स लाइक अ बॉल राउंड होता है मून लुक्स राउंड लाइक अ बॉल इसमें क्या होता है द मून एम ओ ओ एन मून एल ओ ओ के एस द मून लुक्स राउंड आर ओ यू एन डी राउंड लाइक लाइक ए लाइक अ बॉल उसमें क्या होता है पूरा मून एक बॉल के जैसा दिखता है नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट न्यू मून एन ई डब्ल्यू न्यू एम ओ ओ एन मून न्यू मून में क्या होता है वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल वी कैन नॉट सी ए एन एन ओ टी वी कैन नॉट सी एस ई ई वी कैन नॉट सी द टी एच ई द मून एम ओ ओ एन मून ए टी एट ए एल एल ऑल वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल डिस्क्राइब द फुल मून एंड द न्यू मून में क्या है फुल मून में द मून लुक्स राउंड लाइक अ बॉल और न्यू मून में क्या है वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल उस दिन क्या होते हैं हम लोग मून को बिल्कुल ही नहीं देख सकते सो दिस इज अवर टूडेज वन IBL क्वेश्चन और जो दो पेज हमने किए थे ऑफ वर्कशीट उसमें से भी आपको जो एक ऑन दिस पेज यू हैव टू ड्रॉ जस्ट शेड करना है उसको राइट एंड दिस पेज वी हैव ऑलरेडी डन और नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट ये दो पेजेस और करेंगे दीज टू दिस एंड ऑल्सो राइट टू थ्री क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम अवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के उसमें से ठीक है सो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक एवरीवन प्लीज टेक केयर एंड बाय